जंतर मंतर जाना है। चलिए फिर उससे चलते हैं। तो बेस्ट तरीका है जो लोकल लोग हैं ना उनसे पता करो कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि जो कैब और ऑटो वाले होते हैं वो आपको बिल्कुल भी बनाते हैं कि दूर है, ये है, वो है, पैदल नहीं चल पाओगे, लेकिन जो लोकल लोग हैं वो सही तरीका बताते हैं। मैं ऐसे ही करता हूँ, 5-6 लोगों से पूछता हूँ, गूगल की हेल्प लेता हूँ, दावा और भी लोगों से पूछता हूँ लोकल जो मिल जाते हैं रस्ते में, इसके अलावा गूगल की हेल्प लो, मैं भी ऐसे करता हूँ। तो उससे क्या होता है, सही तरीका पता चल जाता है, ऐसे आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, राइट, वरना तो लूट जाओगे। As you can see, चलते जाओ, चलते जाओ। लेते हैं जंतर मंतर का टिकट। गाइस टिकट ले लिया है। एक चीज़ याद रखो कि अगर इंडियन स्टूडेंट हो तो यहाँ आईडी कार्ड लेके आओ, अगर स्टूडेंट हो आईडी कार्ड लेके नहीं आ रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, राइट, क्योंकि स्टूडेंट आईडी कार्ड से आप पैसे बचा सकते हो, बहुत यकीन नहीं मानोगे आप, बहुत ज़्यादा। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो टिकट है 50 रुपये का इंडियंस के लिए, स्टूडेंट है तो टिकट है सिर्फ 15 रुपये का। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे 50 से 10 रुपये का टिकट है, 5 रुपये का टिकट है, स्टूडेंट के लिए बहुत कंसेशन है, तो स्टूडेंट आईडी कार्ड ज़रूर लेके आना है राजस्थान टूरिज्म के लिए, राइट। सामने चलिए इस पहुंच चुके हैं जंतर मंतर, जो कि है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2010 से। इसके बारे में जो एक हिस्ट्री एचडी चैनल है उस पर भी आया था, इसके बारे में हिस्ट्री एचडी चैनल पे एक प्रॉपर एपिसोड बना हुआ है, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, राइट, जिसमें OMG ये मेरा इंडिया करके जो आता है वो उसके अंदर पूरा बताया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे है क्या, पुराने टाइम की एक वॉच है, पुराने टाइम की एक घड़ी है यहाँ पे, जो पुराने टाइम में राजा थे उन्होंने यहाँ पर एक इस तरीके से पूरा एक घड़ी बनाई हुई है जो कि सूर्य की किरणों से चलती है। जैसे जैसे टाइम सूर्य जैसे जैसे सनसेट और सनराइज होता है उस हिसाब से ये पूरी किरणों के सूर्य की किरणों के हिसाब से ये पूरी जो है घड़ी चलती है और ये टाइम बताती है, राइट। ये जो जंतर मंतर है जयपुर का और जो जयपुर सिटी है इसको महाराजा सवाई जयसिंह टू ने जो है बनाई थी, और ये जो जंतर मंतर है ये भी उन्हीं ने बनाया था। महाराजा सवाई जयसिंह टू जो थे उनका काफ़ी इंटरेस्ट था एस्ट्रोलॉजी में और मैथमेटिक्स में, वो काफ़ी अच्छे मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर थे, राइट, तो एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में वो काफ़ी ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था, तो उन्होंने ऐसे अलग अलग जगह जंतर मंतर बनवाए हैं। और ये जो जयपुर का जंतर मंतर है काफ़ी फेमस है, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी बनी है, और इसके अंदर ना बेसिकली आपको एस्ट्रोलॉजी की काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे जैसे हमारी जो राशियां होती हैं, जैसे मिथुन राशि होती है जिसको जेमिनी बोलते हैं इंग्लिश में, एरीज होती है, मेष, और अप टू पाइसिस जो कि 12th होती है, ये सारी यहाँ पर आपको राशियाँ वगैरह आपको सब चीज़ें वहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। यानी एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग एक पूरा का पूरा जंतर मंतर मैथ्स और एस्ट्रोलॉजी को यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाता है, तो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करने के लिए भी इसका कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता होगा। जो जबरदस्त मैथमेटिक्स और फिजिक्स का यूज़ किया गया है यहाँ पे, राइट, ऊपर चढ़ना ज़्यादातर जो लोग मनाए होंगे, तो इस तरीके की जो ये घड़ियाँ हैं सब है, अगर इन्हें बचा के रखना है तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर चढ़ना मना होना भी चाहिए, यहाँ तो सही है मना, राइट। तो देखो जंतर मंतर, इन्जॉय करो। पर
बताते हैं कि जो महाराजा जयसिंह थे जिन्होंने जंतर मंतर बनाए, उनका इंटरेस्ट था और वो काफ़ी अच्छे मैथमेटिशियन, काफ़ी अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी थे, राइट? तो उनका इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था और काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, तभी उसी के बेसिस पर उन्होंने ये चीज़ें बनाई। दिखाई दे रहे हैं इस पूरे जंतर मंतर में, ये बेसिकली कोई ऐसे ही यहाँ पर बनाए हुए स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऐसे मोन्यूमेंट नहीं है, ये अलग अलग तरीके के यहाँ पे गैजेट्स हैं या फिर मैं कहूँ उपकरण हैं, पुराने टाइम की टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ किया जाता था अलग अलग पर्पज़ से और स्पेशली एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करने के लिए। गाइस ये रास्ता जाता है नीचे की तरफ, तो चलिए ये देखते हैं क्या है नीचे। इधर से भी जा सकते हो और इधर से भी, यहाँ लोग कम है तो चलो यहाँ चलते हैं। रास्ता बंद है ऊपर जाने का। तो यहाँ के राजा थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस पूरे जंतर मंतर को बनाया, काफ़ी बड़ा है और मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी का काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है यहाँ पे, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी। ये देख रहे हो सामने पत्थर के स्केल हैं पूरे, बहुत ही अच्छे से मार्किंग की हुई है बाकायदा। जाना मना है वरना ऊपर जाते हैं, राइट? तो इसी तरह से पूरे वाइट पत्थर पे देखो कितने अच्छे तरीके से मार्किंग की हुई है और इसी से एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन और मैथमेटिकल कैलकुलेशन, टाइम कैलकुलेशन, अलग अलग घड़ियाँ हैं, कुछ 2 सेकंड एक्यूरेसी, कोई मिनट के हिसाब से एक्यूरेसी, ये सब चीज़ें। चलते हैं ऊपर की तरफ। चीजें बनाई हुई है। पूरा जंतर मंतर, अब हम चलते हैं सिटी पैलेस की तरफ, तो नेक्स्ट लोग आएगा सिटी पैलेस का, उसको भी मिस मत कीजिए।